हे हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, अगर आपको भी आपके यूट्यूब में कुछ इस तरह से एरर आ रहा है, आप जैसे ही आपके यूट्यूब को ओपन करने का ट्राई करते हो और उसके जस्ट बाद आपको ये एरर आ जाता है, आप देख पा रहे होंगे यूट्यूब इज़ नॉट रिस्पोंडिंग। अगर गाइस आपको भी ये एरर आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड इस एरर का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, जो आपका प्ले स्टोर होता है आपको उसको ओपन कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे यूट्यूब को सर्च कर लेना है। YouTube को सर्च कर लेने के बाद गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको जो आपका YouTube होता है उसको अपडेटेड रखना है। अगर आपका YouTube अपडेट नहीं है तो आपको आपके YouTube को यहाँ से अपडेट कर लेना होगा। फिर आप यहाँ पे बैक आ जाइए और बैक आने के बाद अब आपको यहाँ पे मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना है और थोड़ा नीचे की तरफ आने के बाद आपको ऐप्स पे टैप करना होगा। फिर आपको मैनेज ऐप्स पे टैप करना होगा और फिर आपको यहाँ पे यूट्यूब को सर्च कर लेना है। फिर गाइज आपको यूट्यूब पे क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पे जो स्टोरेज का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, आपको स्टोरेज के ऑप्शन पे टैप करना है। फिर आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब मुझको ये प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इसका क्लियर डेटा कर दिया था, जो कि आप देख पा रहे होंगे मेरा यहाँ पर डिसेबल हो गया है, क्योंकि गाइस मैंने इसका सा पहले से क्लियर डेटा कर दिया था। जैसे ही आप यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, सबसे पहले वाला होता है क्लियर कैचे और सेकंड वाला क्लियर ओल्ड डेटा। तो सबसे पहले आपको क्लियर कैचे पे टैप करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको क्लियर ओल्ड डेटा पे टैप करके ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ऐप परमिशंस होता है जो उस पर टैप करना है और अब आपको यहाँ पे सभी परमिशन को इनेबल कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार मैं यहाँ पे सभी परमिशन को इनेबल कर रहा हूँ, आप भी इसी प्रकार सभी परमिशंस को इनेबल कर लीजिएगा। फिर गाइज आप यहाँ पे आपको करना क्या है, जो आपका मोबाइल का पावर बटन होता है गाइज, आपको उसको लॉन्ग प्रेस करना होगा और आपको यहाँ पे आपके मोबाइल को एक बार रिबूट या रिस्टार्ट कर लेना है। गाइज आपको आपके मोबाइल में या तो रिबूट या रिस्टार्ट, आपको इस दोनों में से कोई भी शो हो सकता है, तो आप रिबूट या रिस्टार्ट कर लीजिए। फिर गाइज इतना काम करने के बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी आपके यूट्यूब में। आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।